कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शब्द लेकर आया हूँ, तो शब्द को बताऊंगा। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जब कई वर्ण मिलते हैं उससे जो अर्थ निकलता है वह कहलाता है शब्द। जैसे हम लिखते हैं ये कहलाते हैं वर्ण, हम इसे जोड़ते हैं वह होता है शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। अब विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक कहलाता है विकारी, दूसरे को कहा जाता है अविकारी। विकारी वे शब्द हुए जिसके रूप परिवर्तित होते हैं, अविकारी उसे कहा जाता है जिसके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं। तो विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। जैसे उदाहरण, पुस्तक विकारी और अविकारी। क्यों? क्योंकि पुस्तक के रूप बदलते हैं, एक वचन से बहु वचन होता है, इसीलिए यह विकारी कहलाता है और इसके रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है अविकारी। रचना के आधार पर वह हुआ विकारी और अविकारी, विकार के आधार पर। अब देखिए रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगिक। रूढ़ किसे कहा जाता है? रूढ़ वे शब्द जिसे खंडित करने पर उसके अर्थ समाप्त हो जाते हैं, वे कहलाते हैं रूढ़। जैसे हम कहते हैं क ल म, तीन वर्ण के मेल से बना है, परंतु इसे जब हम खंडित करके अर्थ निकालना चाहते हैं तो इसके अर्थ समाप्त हो जाते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़। क्यों? क्योंकि यह एक ही शब्द के लिए आता है और ये वर्णों के मेल से बना है, इसके कोई दूसरे अर्थ नहीं निकलते हैं, यह कहलाता है। अगला है यौगिक, वे शब्द है योग। योग शब्द का मतलब होता है जोड़, जो जुड़ा हुआ है। योग का मतलब होता है जुड़ा हुआ। दो शब्द के मेल से बना वे शब्द यौगिक कहलाते हैं, जिसे खंडित करने पर भी उसके अर्थ निकलते हैं। जैसे उदाहरण, बुढ़ापा। पा इसमें प्रत्यय लगा, बूढ़ा शब्द है। बूढ़ा एक शब्द, पा प्रत्यय दूसरा शब्द। अब दोनों को जब हम मिला देते हैं तो एक नए शब्द की रचना होती है और यह शब्द कहलाता है यौगिक, परंतु इसके भी अर्थ निकलते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ जिसे खंडित करने पर उसके अर्थ समाप्त हो जाते हैं, यौगिक वे शब्द जो दो शब्द के मेल से बनते हैं परंतु उसे खंडित करने पर भी उसका अर्थ निकलता है, वे यौगिक कहलाते हैं। और तीसरा योग, योग। अब इसे इस तरह से जानिए, योग रूढ़, ये योग भी इसमें है और रूढ़ भी है, यौगिक भी है रूढ़ भी है, परंतु न तो यौगिक है और न तो रूढ़ है। कैसे? अब देखिए
इसके उदाहरण है दसाना, दो शब्द दस और आना, दो शब्द के मेल से बना है, कह सकते हैं कि यौगिक है परंतु नहीं, यह रूढ़ हो गया क्योंकि दसानन शब्द सिर्फ रावण के लिए आया। पंकज शब्द दो शब्द के मेल से बना है, पंक, पंक का मतलब कीचड़, ज का मतलब जन्म लेने वाला, परंतु कीचड़ में बहुत से जीव जंतु भी जन्म लेते हैं, हम उन्हें पंकज नहीं कह सकते हैं। पंक का अर्थ कीचड़, ज का अर्थ जन्म लेने वाला, परंतु पंकज सिर्फ कमल के फूल को कहा जाता है। पंकज का अर्थ ही है योग रूढ़ यानी रूढ़ सिर्फ कमल के अर्थ में। दसानन का मतलब होता है सिर्फ रावण, किसी दूसरे के दस सिर हो जाएंगे तो वह रावण नहीं होगा। दसानन का मतलब, दसानन का प्रयोग सिर्फ रावण के लिए होता है, पंकज का उपयोग सिर्फ कमल के लिए होता है, कोई दूसरे शब्द के लिए नहीं होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद, रूढ़ यौगिक और योगरूढ़। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद, एक विकारी कहलाया, दूसरा अविकारी कहलाया। अब देखिए बनावट के आधार पर, पहला तत्सम। तत्सम वह शब्द कहलाता है जो संस्कृत का मूल शब्द है और उसी रूप में बिना परिवर्तन के ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाता है। फिर से, संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाता है। जैसे संस्कृत के शब्द हैं परंतु उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है तत्सम। अगला, दूसरा भेद शब्द को कहा जाता है जो संस्कृत के मूल शब्द से परिवर्तित होकर, जो संस्कृत के मूल शब्द से परिवर्तित होकर दूसरे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वह कहलाता है तद्भव। जैसे सूरज, चांद। तत्सम संस्कृत के शब्द सूर्य, चंद्र, परंतु तद्भव में इसी शब्द का रूप परिवर्तित होकर के आ गया सूरज, इसी शब्द का रूप परिवर्तित होकर के आ गया चांद, तो यह कहलाया तद्भव। दो भेद, तत्सम और तद्भव। तीसरा देखिए देशज, दो शब्द के मेल से बना है, पहला शब्द देश और दूसरा शब्द जा। देशज शब्द उस शब्द को कहा जाता है जो अपने ही देश में किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती हो, वहाँ की वही भाषा हो, उसे कहा जाता है देशज। अपने ही देश में जिसका जन्म हुआ हो उसे कहा जाता है देशज। कुछ वैसे शब्द हैं जो किसी खास क्षेत्र में प्रचलित हैं, दूसरे क्षेत्र में इस शब्द के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, और व्याकरण से संबंधित भी यह शब्द नहीं है, बोलचाल की भाषा है, हम उसे हिंदी में भी प्रयुक्त करते हैं। जैसे पगड़ी, मचान, खटिया, लोटा, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो किसी खास क्षेत्र में बोले जाते हैं, इसे कहा जाता है देशज शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज। अगला एक शब्द है विदेशज, वे शब्द जो हिंदी में
विदेशी भाषा के या हिंदी से अलग किसी दूसरी भाषा के शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे कहा जाता है विदेशक। जैसे रेलगाड़ी, टाइम, टेलीफोन, टेलीविजन है दूसरी भाषा के शब्द, लेकिन उसी रूप में बिना परिवर्तित किए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वह कहलाता है विदेशक। तो ये मनावट के आधार पर चार, रचना के आधार पर तीन, विकार के आधार पर दो, ये सारे कहलाते हैं शब्द जो वर्णों के मेल से बनाए जाते हैं और हिंदी की ये बुनियाद माने जाते हैं। क्योंकि खंडित शब्द को जब हम खंडित करते हैं तो वह बनता है वर्ण, और वर्ण का एक नाम है अक्षर। अक्षर उसका इसलिए नाम है क्योंकि अक्षर उसका क्षरण नहीं होता है, वर्ण को खंडित नहीं किया जा सकता है। वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द को खंडित करते हैं तो वर्ण बनता है, वर्ण को खंडित नहीं किया जा सकता है। बस आज इतना ही, और फिर अगले बार व्याकरण के किसी भाग को लेकर के उपस्थित होंगे। आप सबों को अशेष धन्यवाद।